स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में दूसरा वनडे मुकाबला ट्रिनिडेड में ही खेला गया और इस मुकाबले में डकवर्थ लुईस मेथड के जरिए टीम इंडिया को 59 रनों से बड़ी जीत हासिल हुई। इससे पहले दोनों ही टीमों के बीच इस 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला जो है वो बारिश के चलते धुल गया था और टीम इंडिया इस समय इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाए हुए है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इस दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने 120 रनों की शानदार पारी खेलकर अपने ओडीआई करियर का 42वां तो वहीं अपने इंटरनेशनल करियर का 67वां शतक लगाया। इसके अलावा दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने भी टीम को बीच मझधार में संभाला और शानदार 71 रनों की पारी खेली और अपने कप्तान विराट कोहली का साथ बखूबी निभाया। और दोस्तों, दूसरे वनडे में शतक लगाने के साथ ही विराट कोहली ने रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी है, जहां पर दोस्तों कई अटूट रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया है। तो दोस्तों, एक एक करके उन सारे रिकॉर्ड्स के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और क्रिकेट की इनसाइड और आउटसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें डीएनए न्यूज चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, सबसे पहला रिकॉर्ड भारतीय कप्तान ने इस मैच में बनाया है कि उन्होंने वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को पीछे छोड़ दिया है, जहां पर दोस्तों अब विराट कोहली जो है वो केवल सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड से पीछे हैं, यानी कि वो अब वनडे में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं दोस्तों, दूसरे रिकॉर्ड की अगर बात करें तो विराट कोहली ने किसी भी टीम के खिलाफ सबसे कम पारियों में 2000 रन पूरे करने के रिकॉर्ड को भी अपने नाम किया है, जहां पर उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ केवल 34 पारियों में 2000 रन पूरे किए हैं। इसके बाद दोस्तों, बात करें तीसरे बड़े कीर्तिमान की तो विराट कोहली ने इस मैच में 19 रन बनाते ही पाकिस्तान के जावेद मियादाद के एक 26 साल के पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। और आपको बता दें कि विराट कोहली वेस्ट इंडीज के खिलाफ 34 मैचों में 2032 रन बना चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, बात करें चौथे बड़े कीर्तिमान की तो आपको बता दें कि विराट कोहली अब वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में 8वें नंबर पर आ गए हैं, जहां पर उन्होंने सौरव गांगुली को पीछे कर दिया है, जिनके नाम पर 11,362 रन है। इसके बाद दोस्तों, बात करते हैं पांचवें बड़े कीर्तिमान की जो कि विराट कोहली ने अपने नाम किया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि विराट कोहली के नाम अब 238 मैचों में 59.71 की औसत से 11,406 रन है और वनडे में विराट के नाम 42 शतक हैं और 54 अर्धशतक हैं। गौरतलब है कि विराट कोहली ने लंबे वक्त के बाद में वनडे में शतक लगाया है, जहां पर वर्ल्ड कप के एक भी मैच में रन मशीन के बल्ले से एक भी शतक नहीं निकला और काफी लंबे अंतराल के बाद में विराट के बल्ले से ये शतक जो है वो निकला है। तो दोस्तों, ये थे वो पांच बड़े कीर्तिमान जो कि भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इस दूसरे ओडीआई मैच में अपने नाम किए हैं। दोस्तों, अभी विराट कोहली को काफ़ी सारे कीर्तिमान तोड़ने हैं और अभी उनके पास काफ़ी सारे क्रिकेट भी बाकी है और दोस्तों, जिस तरह की फिटनेस वो मेंटेन करते हैं उसको देखते हुए अब महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी उनसे ज़्यादा दूर नहीं है। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि विराट कोहली वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने और सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब हो? आप भी इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और क्रिकेट की इनसाइड और आउटसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें डीएनए न्यूज चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।